प्रश्न वाली 12.4 से पहले उदाहरण नंबर 6, इसमें जो एक रिजल्ट अपने निकालेंगे वो रिजल्ट सेम क्वेश्चन 12.4 का पांचवा क्वेश्चन है, उसमें जितना रिजल्ट निकाला है वो यहाँ पे अपने यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या कहा है क्वेश्चन में कि दो भुजाएं समांतर दी गई है, नाम नहीं दिया कौन सी, तो आप अपनी मर्जी से जो डायग्राम बनाओ चक्रीय चतुर्भुज में उसमें जो भुजा चाहो तो आप ये दोनों समांतर लियो इस तरह से बना दो, चाहे ये दोनों समांतर लियो। तो मैंने जो यहाँ पे समांतर लिया वो ए बी और सी डी लिया समांतर, तो इसमें सिद्ध क्या करना है कि जो समांतर लिया है इसके अलावा शेष भुजा कौन सी बच गई है, ए डी और बी सी, इनको भी बराबर करना है और वीकेंड को भी बराबर करना है। वीकेंड मैंने अभी तक इसके खींचे नहीं क्योंकि उससे पहले जो अपने एक रिजल्ट निकालेंगे तो अगर वो वीकेंड खींच लेंगे तो वो फिर आपको ध्यान से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि फिर वो वीकेंड खींचने के बाद इसमें डायग्राम में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी डी समांतर दिया गया है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट निकालेंगे अपन वो वैसा रिजल्ट एक्सरसाइज के पांच क्वेश्चन में निकाला हुआ है, तो उसमें और इसमें दोनों में जो सिमिलरिटी क्या रहेगी थोड़ी कि एक तो ये चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है और एक ये दो भुजाएं समांतर दी गई है, तो इससे समांतर से तो अपने अंतःकोणों का योगफल 180 और चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ तो सम्मुख कोणों का योग 180, तो उन दोनों से इक्वेशन से अपने एक रिजल्ट निकालेंगे। वो क्या निकालेंगे देखिए कि कोण ए और डी का जोड़ 180 क्यों है, क्योंकि ये दोनों अंतःकोण है, ये दोनों रेखाएं समांतर है तो अंतःकोण बनेंगे, और डी के साथ बी क्या है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है तो इनका जोड़ कितना 180, ये ले सकते हो आप ए और डी कर सकते हो और ए और सी ले सकते हो। तो यहाँ पे या तो ए के बराबर बी रिजल्ट निकलेगा या सी के बराबर डी, तो अपने ए के बराबर बी निकालते हैं जिससे जो आप अगर त्रिभुज नीचे वाले लोगे तो उसमें आसान हो जाएगा। तो ए के बराबर बी निकालने के लिए अपन क्या करते हैं कि ए और डी ले लेते हैं 180 अंतःकोण और डी कॉमन रखेंगे ताकि डी कैंसिल हो जाए और डी के साथ बी 180 बनाएगा तो ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होंगे। अगर आप ए डी ले लेते हो और ए सी ले लेते हो तो ए कैंसिल हो जाएगा तो सी के बराबर डी हो जाएगा, तब आपको वो ऊपर त्रिभुज बनेंगे विकिरणों के साथ वो लेने होंगे। तो अपने ए और बी लेते हैं जिससे बच्चों के आसानी से समझ में आते हैं, तो ए और बी लेने के लिए अपन क्या करते हैं कि कोण ए और कोण डी का जोड़ 180 डिग्री है, ये क्यों है क्यों दोनों लाइन समांतर है तो ये अंतःकोण है, तो ये हो गए अंतःकोण, और डी के साथ बी का जोड़ कोण बी और डी दोनों ही कोण से कोण है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, यहाँ पर आप लिख देना चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, तो समीकरण एक और दो से क्या रिजल्ट मिलेगा, समीकरण एक व दो से क्या रिजल्ट मिलेगा कि ए और डी का जो जोड़ है वो बी और डी के जोड़ के बराबर है, डी से डी कैंसिल हो गया तो कोण ए के बराबर आ गया कोण बी, ये रिजल्ट अपने आगे यूज करेंगे। तो प्रश्नावली के अंदर जो क्वेश्चन पांचवा दिया हुआ है उसमें कहा हुआ है ए डी के समांतर बी सी, तो ए और डी वाला कोण दे सकता है आपको तीन नंबर में, जो लाइन समांतर देता है उसके दोनों शीर्षों वाले कोण देता है वो बराबर, या बी और सी कह सकता है। तो यहाँ पर अपन ने ए बी लिया था तो ए के बराबर बी कोण आया, और अगर सी डी वाले अपन करते तो सी और डी वाले ऊपर वाले कोण बराबर आते, तो ये रिजल्ट अपने निकाल लिया। अब इसके अंदर अपन विकेंड खींच देंगे जिससे अपने को आगे का जो क्वेश्चन करना है उसका प्रोसेस हो जाएगा, तो ये दोनों विकेंड ड्रॉ कर देते हैं इसमें। अब यहां पे अपने त्रिभुज कोण से लें जिससे जो आपको सिद्ध करना है विकिरण और ये जो भुजा है ये दोनों वाले ही यहां पर आ सके, तो देखिए एक तो ये पूरा कोण ए और ये पूरा कोण बी अपन ने भी बराबर किया, ये रिजल्ट अपने को यूज करना है, और एक ए बी जो लाइन है वो भी निष्ठ आ जाएगी, और इस डी बिंदु पे जो कोण बना हुआ है ये डी और इधर सी वाला ये दोनों एक ही वर्तखंड के कोण होंगे, तो एक ही वर्तखंड के कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये दोनों एक ही वर्तखंड किस में बना हुआ है दीर्घ वर्तखंड में बना हुआ है, या एक ही चाप के द्वारा अगर कोण बने हुए हैं तो इन दोनों के चाप कोण से दोनों के ए बी चाप है, तो एक ही चाप के द्वारा अगर कोण बनते हैं या एक ही वर्तखंड में कोण बनते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। तो ये तीन चीज अपने पास है, तो इसके अकॉर्डिंग त्रिभुज कौन सा लेंगे, एक देखिए त्रिभुज ले लेते हैं अपने ए डी बी ले लेते हैं, ये त्रिभुज ए डी बी, दूसरा देखो ए के बराबर इस साइड पूरा कोण कौन सा है बी है, तो इधर से कौन सा लेंगे फिर बी सी ए त्रिभुज लेंगे, तो त्रिभुज ले लेते हैं अपने ए डी बी वह त्रिभुज, देखो इस ए यहाँ पूरा कोण आया है और इस साइड जो बी नाम आया उसमें सिर्फ ये नीचे वाला कोण है पूरा कोण नहीं है, तो इस साइड देखो ये ए और बी पूरा कोण बराबर है, तो
तो यहाँ ए से स्टार्टिंग है तो इधर त्रिभुज कौन सा होगा बी, सी वाला किसके बराबर है डी के, डी बीच में लिया गया तो इधर सी मिडल में, तीसरा पॉइंट कौन सा बच गया है ए, यहाँ ए नाम तो आया लेकिन ये ए पूरा कोण नहीं है सिर्फ ये नीचे वाला कोण है, इन दोनों में क्या क्या चीजें अपने पास बराबर है, एक तो देखिए ए बी, ए बी के बराबर बी ए है, ये आधार दोनों में सेम है तो ये क्या है उभयनिष्ठ है, दोनों में भुजा उभयनिष्ठ भुजा है, एक कोण जो ए डी बी, कोण ए डी बी, डी बिंदु वाला कोण हो गया किसके बराबर है बी सी ए के, बी सी ए के, एक कारण क्या इसका एक ही वर्त खंड के कोण है, एक ही वर्त खंड के कोण है, एक ही वर्त खंड के कोण है ये दोनों, तीसरा जो ए बिंदु वाला है तो देखिए ए पर ए पूरा कोण है तो इसका नाम अपन क्या लिख देंगे डी ए बी लिख दो, तो इधर क्या हो जाएगा सी बी ए, तो कोण डी ए बी बराबर कोण किसके है सी बी ए के, ये क्या समीकरण नंबर अपन ने तीन से निकाला हुआ रिजल्ट है समीकरण तीन से, तो यहां पे इस भुजा पे बनने वाले दोनों कोण नहीं है सिर्फ ये कोण है, तो कौन सा रूल लग जाएगा दो कोण और एक भुजा है तो जो भुजा है उसी पे बनने हुए दोनों साइड कोण नहीं है, तो यहां पे कौन सा रूल लग जाएगा ए ए अस रूल से, तो त्रिभुज कौन कौन से थे ए डी बी, सर्वांग सम किसके हो जाएगा त्रिभुज बी सी ए के, कौन से रूल से ए ए अस रूल से होगा, तो ए ए अस रूल से सर्वांग सम हो गया है तो इसके संगत भी बराबर होंगे, तो बाई सी पी सी टी रूल से क्या होगा कि एक तो ए डी, ए डी के बराबर कौन हो जाएगा बी सी, जो आपको सिद्ध करना था ये ए डी के बराबर बी सी हो गया, और दूसरा जो रिजल्ट है जिसमें आपको विकिरण लेकर आना था तो विकिरण कौन सा है इसमें ये डी बी विकिरण है और इधर कौन सा है सी ए, तो आप बी डी लेते हो अगर इसको तो बी डी के बराबर क्या हो जाएगा ए सी, तो ये दोनों जो रिजल्ट है वो आपको सिद्ध करने थे, तो ये प्रश्न 2018 में पूछा हुआ है तो अब दोबारा रिपीट कर सकता है 20 के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है 6 नंबर के अंदर, तो इसको ध्यान से कीजिएगा, उदाहरण के अंदर जो किया हुआ है उसमें वो ऊपर वाले त्रिभुज लिए गए हैं जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के, इसलिए अगर आपको ए बी बेस पे अगर आपको दोनों ट्राइंगल लेने हैं तो कोण ए और बी बराबर कीजिए, बुक में जो किया हुआ है वो ऊपर सी और डी से किया हुआ है तो उससे लेते हैं तो ये सी डी आधार हो जाता दोनों में और इधर से ए और बी वाले ए के वर्तखंड के बन जाते और ये सी के बराबर आप डी पहले से निकाल लेते समीकरण नंबर में, तो उसे आप दो त्रिभुज सर्वांगसम करते हैं।